की है और आईबीपीए ने कहा है कि हाँ वायदा को, तेल तिलहन का जो वायदा है उसको जल्द से जल्द शुरू करना चाहिए, क्योंकि इससे नुकसान हो रहा है अल्टीमेटली किसानों का भी, कारोबारियों का भी, और अगर वायदा शुरू होगा तो इससे किसानों को भी वाजिब भाव, सही भाव मिलने में मदद मिलेगी। क्योंकि आप देखिए कि मस्टर्ड जो कि बड़ी क्रॉप है तिलहन की, मस्टर्ड के दाम एमएसपी से नीचे आ गए हैं, तो लिहाजा जो मस्टर्ड के किसान हैं उनको एक यहाँ पर नुकसान की आशंका दिख रही है, लिहाजा उसको ध्यान में रखते हुए ये मांग की गई है। हमारे साथ सुधाकर देसाई भी जुड़ चुके हैं, आईबीपीए के प्रेसिडेंट हैं। देसाई जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। अब तो आप लोग भी चिट्ठी में उतर आए, मतलब ये अर्जेंसी दिख रही है आपको या आपको लगता है कि बहुत लंबा वक्त हो गया है तो चिट्ठी लिख डालो? ऐसा नहीं है, दो तीन महीना पहले भी हमने लिखा था। अच्छा, अभी इसलिए दोबारा लिखना पड़ा कि रेती प्राइसेस स्टार्टेड फॉलिंग बिलो एमएसपी एज यू नो। तो उससे क्या है, अभी जो 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 कदम लिए गए कंज्यूमर्स के लिए, प्राइसेस के लिए, हाइपर इन्फ्लेशन के लिए, बहुत सारे कदम जो आपको पता है लिए गए थे, उसके बाद अभी जब फार्मर्स मतलब लो प्राइसेस की तरफ मार्केट जब जाने लगा है, सो ए प्रॉपर एक्सचेंज इज रिक्वायर्ड। नंबर वन, इट इज ए गुड हेजिंग टूल फॉर द एंटायर ऑयल सीड सेक्टर, ये तो पता ही आपको। इसमें नंबर टू क्या है, ये प्राइस डिस्कवरी भी हो जाता है भाई, पूरा इंडिया में क्या ऑयल सीड का क्या दाम है, सोयाबीन का क्या दाम है, अगर मिलर सोयाबीन खरीद रहे तो वो हेड मस्टर्ड आज के दिन में अगर क्रॉप का प्रेशर है, आपको पता है कि क्रॉप इस बार बहुत अच्छा है और ओपनिंग स्टॉक भी है लास्ट ईयर अनलाइक लास्ट ईयर करीब करीब 800,000 टू 1 मिलियन टन का क्रॉप भी है अभी अनक्रश, तो उसकी वजह से प्रेशर आया है। तो एमएसपी के नीचे जब मार्केट जा रहा है तो एक मिलर्स भी और ट्रेडर्स भी जब खरीदेंगे, आपको पता है कि स्टॉक कंट्रोल निकाल लिए गए, तो ट्रेडर और वो लोग भी अगर खरीदेंगे तो दे ऑल्सो वुड लाइक टू हेज इन द एक्सचेंज। बहुत अच्छा चलता था मस्टर्ड सीड का और सोयाबीन सीड का, सोयाबीन ऑयल का। नंबर थ्री, ऑल द मिलर्स इन द कंट्री दे वर एबल टू टेक डिलीवरी फ्रॉम द ऑफ द ऑयल सीड। अगर आपको प्राइस अच्छा लगता है तो आप एक्सचेंज खरीद सकते हैं, फिर फिजिकल डिलीवरी लेकर आपका प्लांट आप चला सकते थे। नंबर फोर, ये जो सप्लाई चेन, जब मंदी इतना लास्ट ईयर इतना मंदी आया, देखिए मार्केट 30-40% गिरा अचानक एक बार, उस टाइम में काफी लॉसेस हुआ इंडस्ट्री में, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को भी लॉसेस हुआ है, डीलर्स को भी लॉसेस हुआ है। हम तो पूरा ऑल इंडिया में सप्लाई करते हैं, हमको तो पता ही है कि वो डीलर्स वर नॉट एबल टू ऑल्सो हेज इन अ फॉलिंग मार्केट, तो उसके वजह से भी हमको लगा इट इज वेरी टाइमली नाउ टू गेट बैक द एक्सचेंजेस। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, व्हाई नाउ, जो आपका क्वेश्चन है कि अभी क्यों, ये अभी आज के दिन में ग्लोबल टर्मोइल आप देख ही रहे, आपने अलग अलग कमोडिटीज में देखे होंगे कितना मैक्रोस कितना वीक है, सेंटिमेंट उतना वॉलेटाइल है, मार्केट्स आर वेरी वेरी वॉलेटाइल, तो इवेंचुअली टुवर्ड्स आत्मनिर्भर ऑयल सीड स्टेबल पॉलिसी, ऑयल सीड ग्रोथ, ये सबको नजर में रखते हुए मुझे लगता है कि ये डोमेस्टिक एक्सचेंज आज के दिन में फिर से हमको चालू करना चाहिए। एंड वी आर वेरी थैंकफुल बोथ द मिनिस्ट्रीज whom we have sent to, they have forwarded their letters positively to the economic affairs. We also returned to SEBI. I am sure they also will look at it positively. So now is the time, क्योंकि दो महीने में फिर आपका खरीफ सोइंग चालू हो जाएगा, सोयाबीन का क्रॉप चालू हो जाएगा, तो ये सारे चीजों के लिए फिर उसका जो सोयाबीन प्रोसेसर को है उसको मील को भी एक्सपोर्ट करना पड़ता है, क्रशिंग पैरिटी देखना पड़ता है, तो आई थिंक ये बहुत सारे कारण मैंने इन नक्सल बताया जो हमने लेटर में जिगर भी किया था, ये सारी कारणों की वजह से आज के दिन में एक पॉजिटिव केस है कि डोमेस्टिक एक्सचेंज इन ऑयल सीड शुड बी स्टार्टेड विद अ पॉजिटिव में एंड ऑल्सो शुड बी स्टार्टेड विदाउट एनी हिकअप्स। ऐसा नहीं है कि 6 महीने के बाद फिर बंद हो जाए, उससे बहुत ज्यादा तकलीफ होता है, तो एक लॉन्गर टर्म व्यू लेके जी ये पूरा वायदा शुरू कर देना चाहिए या आपको लगता है कि फेज्ड मैनर में इसे शुरू कर, मतलब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि ऑयल सीड ये एक साथ ओपन कर देना चाहिए या धीरे धीरे? ऐसे कोई धीरे धीरे कर कोई जरूरत नहीं है, देखिए हम तो ये तो एक्सचेंजेस तो 20 साल से है, तो मस्टर्ड सीड सोयाबीन एंड सोयाबीन ऑयल ये तीनों चीजें है, आपका क्रूड पाम ऑयल वो तो ज्यादा इतना ज्यादा लिक्विडिटी नहीं है, जो जो पाम ऑयल ट्रेडर्स हैं उनके लिए
यूजफुल है एज करने के लिए, कभी मार्केट गिरता है तो वो कह रहे हैं ऑयल शुरू होना चाहिए, चारों में चालू करना, ऑयल भी चालू होना चाहिए, सीड भी चालू होना चाहिए। लेकिन आपके जो मित्र है सोपा वाले, आपकी बिरादरी के ये हैं सोपा वाले, वो कह रहे हैं कि सिर्फ ऑयल शुरू करें, सीड अभी बिल्कुल नहीं करना चाहिए। देखिए रिस्क तो रिस्क होता है, कमोडिटी में रिस्क तो आप जानते हैं। नहीं, उनका कहना है कि सीड ना शुरू करें, सिर्फ ऑयल को शुरू करें। अभी सीड में ज्यादा जरूरत है, क्योंकि ये फार्मर एंड प्रोड्यूसर मिलर और जो स्टॉकिस्ट, उन लोगों के लिए जो वोलेटिलिटी इन द सीड इज मोर इम्पोर्टेंट। मैं तो बोलता हूँ कि सीड में सबसे ज्यादा जल्दी चालू करना चाहिए। ये सब इंटीग्रेटेड प्रोडक्ट लाइन है, सो यू कांट सेपरेट सीड, ऑयल, मील, ये सब इंटीग्रेटेड प्रोडक्ट है। कॉम्प्रिहेंसिवली हमको इसको देखना है, एक एक चीज चालू करने से नहीं होगा। अगर इतनी बात मान लीजिए आप समझ रहे हैं तो वो क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? वो कह रहे हैं कि सीड नहीं ऑयल सिर्फ। अब देखिए, अब वो तो आप उन्हीं लोगों से पूछ सकते हैं, लेकिन आई थिंक इफ आई सी फ्रॉम एज एन इंडस्ट्री पर्सन, फॉर द सोयाबीन कॉम्प्लेक्स और एनी कॉम्प्लेक्स, ऑल द मिलर्स, ऑल द प्रोसेसर्स हु हैव टू बाय सीड, एंड देयर इज अ टाइम लैग बिटवीन सेल ऑफ ऑयल एंड सेल ऑफ मील, करेक्ट? आप सोयाबीन खरीदते हैं, मील एक्सपोर्ट बाद में आपको करना पड़ता है। इंडिया का बहुत एक ही आइटम है जो एक्सपोर्टेबल है, इतना सोयाबीन जो है एंड सोया ऑयल। तो फॉर यूर क्रशिंग पैरिटी ऑल द थ्री आइटम्स आर इम्पोर्टेंट। So I feel that it is all the more relevant for the crushers to have exchange heads capability in seed, oil and meal. Meal में तो इंडिया में लिक्विड नहीं है, वो तो एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट या डोमेस्टिक सेल पहले करना पड़ता है, बट ऑयल और सीड में रिस्क सेम है और चालू होना है तो दोनों चीजों में चालू होना है। ठीक है, ओके, चलिए, बहुत शुक्रिया देसाई जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर अपनी राय देने के लिए। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब IVPH चैनल।